और गाइस वेलकम बैक। तो आज अपन खेलने वाले हैं प्रोजेक्ट कास्ट अवे। तो गाइस यार बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज अपन खेल रहे हैं एक नया सर्वाइवल गेम जहां पे अपन एक आइलैंड के ऊपर सर्वाइव करने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं, मजा आने वाला है। ऑलराइट बॉयज लेट्स बिगिन अ जर्नी। हम हैं जेम्स। ओके स्टॉर्म वन दैट केम आउट ऑफ नोवेयर। माय प्लेन्स इंस्ट्रूमेंट्स आर फेलिंग। रेडियो प्लेन की चीजें खराब हो रही है। ठीक है सारी चीजें ऑल राइट। ऑल गॉन बट इफ एनीवन फाइंड्स दिस आई नीड यू टू नो व्हाई आई एम हियर। I'm searching for my uncle. तो हम लोग हमारे अंकल को ढूंढ रहे हैं। He was more than just family. He was my hero. अच्छा जी। He worked as an on-site researcher and archaeologist for Mordenpohl Inc., a company with a reputation that's as murky as the waters we're flying over. The last time we spoke, he told me he was heading to the site of the legendary Golden Horizon, a place that's shrouded in mystery and danger. I begged him not to go, but he felt he had no choice. But his uncle, चले गए भाई, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं अभी। इसकी मम्मी जो है सिख है, मतलब बीमार पड़ी हुई है और ओके, तो अंकल जी जो है इनका ध्यान रख रहे थे इतने टाइम से, बट 14 मंथ से जो है भाई मिसिंग है। अभी पुलिस इनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है। और अभी अपन ने भाई सारा मैटर अपने हाथ में ले लिया कि अपन देख लेंगे सब कुछ। हमें उनके ऑफिस जो है उनके कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, तो अपन वहीं पर जा रहे हैं अभी पैसिफिक ओशियन में। I'm not so sure I'll make it. बड़ा मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ से सरवाइव करके जा पाऊंगा भाई। Let it be known that Seamus Alivary was a good man. He didn't deserve whatever happened to him. And if I don't make it, someone out there, please continue. अगर हम यहाँ से सरवाइव करके नहीं जा पाते, नहीं ढूंढ पाते उनको, तो प्लीज़ जिसको भी टेप मिलेगी वो उन्हें उनकी लाइक हेल्प ज़रूर कर देना। बाकी चलो गाइज, यहाँ पर जो है हमारा प्लेन होने वाला है क्रैश। डूब गया भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत। अरे भाई सब फट गया। ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। ओके गाइस, ये लेट्स गो बेबी। चलो गाइस पानी से बाहर आते हैं अभी। मैं तुम लोगों को मजाक नहीं करूंगा, सही बता रहा हूँ। मैंने ना इसका लाइक जब पहले मैंने जब मेरे पास की आई थी इस गेम की, और जब मैंने इसको खेला था पहली बार जब चलाया था, जब फुली रिलीज नहीं हुआ था ये गेम, और तब इसमें कोई स्टोरी नहीं थी, तो मैंने खुद का इंट्रो बनाया था इतना बढ़िया सा। लेकिन क्या बताऊँ भाई, इतनी बुरी किस्मत है, जैसे ही मैंने देखा दोबारा गेम ऑन करा, यहाँ पर स्टोरी आ गई भाई गेम के अंदर। ठीक है चलो भाई चलते हैं आइलैंड पे। हम लोग हमारे अंकल को ढूंढने के लिए आए हैं अभी। यहाँ पे सबसे सबसे क्लोजेस्ट वाले शोर पे जाना है। क्या और भी आइलैंड है क्या यहाँ पे? ओके ठीक है, तो वहाँ पर भी है, तो सबसे पास तो यही इसी पे चलते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई पानी के अंदर यहाँ पे शार्क वार्क भी घूमती हैं। अब शार्क भी हटा दी क्या? सब बदल दिया गाइस। वो रही शार्क दिख तो रही है भाई। ऑलराइट बॉयज, प्रोजेक्ट कास्ट अवे, लेट्स गो। भाई गेम के ग्राफिक्स मेरे को काफ़ी अच्छा लगे, मजाक सट के गेम काफ़ी प्यारा है। लुक एट दिस, अभी अंधेरा हो रहा है इस वजह से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब उजाला होगा ना सुबह जब देखना। ओके सो यहाँ पे गाइस हमें हंगर बार दिया हुआ है, हेल्थ बार दिया हुआ है, वाटर बार, एनर्जी बार, खाने का बार, और पता नहीं क्या चीज़ है एक और। बाकी गाइस यहाँ पे ट्यूटोरियल चल रहा है, एंड यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर और टाइम दे रखा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर स्मॉल स्टिक कलेक्ट करनी है। तो मान लो भाई तुम्हें पता है भाई, हर एक सर्वाइवल गेम का यही सीन है भाई, तुम कभी भी कहीं पे भी जाओगे, किसी भी आइलैंड पर जाओगे, कहीं पे भी सर्वाइव करना है, सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पत्थर और स्टिक चाहिए रहेगी, क्योंकि तुम्हें बनानी है कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी बनानी है तभी सर्वाइव कर पाओगे तुम इस आइलैंड के ऊपर। भाई पत्थर वत्थर है क्या यहाँ पे? ये पड़ा हुआ, रुको। चलो भाई ठीक है, इसको अपन तोड़ेंगे, इसमें से निकालेंगे स्टोन शार्ड, और यहाँ पर अभी ओके, एक मेरे पास बैग दिया हुआ है, और क्या है भाई, बी दबाने पे यहाँ पे जर्नल ओपन हो रहा है, इसके अंदर मेरे को भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। फायर मेकिंग, शेल्टर, स्टोरेज, नरिशमेंट, टूल्स, वेपन्स, मेडिसिन, राफ्ट भी बना सकते हैं भाई, फार्मिंग, यूटिलिटी, ब्लू प्रिंट्स, और क्या है, क्वेस्ट ट्रैकर। ओके मतलब यहाँ पर अपना पूरा ये बढ़ता जाएगा। डिस्कवरीज हैं यहाँ पर, ट्रेजर दिया हुआ है, और स्किल्स दी हुई है, हमारी स्किल्स सारी 1-1 है। ऑल राइट, तो सबसे पहले मेरे को जो है यहाँ पे एक बनाना है, स्टोन एक्स बनाना है। ठीक है जी, डन है। अब मेरे को एक पाम ट्री कट करना है, और यह कछुआ घूम रहा है क्या यहाँ पे भाई साहब? तो सबसे पहले यहाँ पे एक पाम ट्री कट करते हैं इस फटाफट से। 10 बार क्लिक करना पड़ा तब जाके कटा है भाई ये। तो मेरे को यहाँ पे जो है कुछ लॉग्स मिल रहे हैं इससे, और कुछ पत्ते मिल रहे हैं, नारियल भी मिल रहा है। ठीक है, नारियल उठाना है अपने को। क्या स्मॉल स्टिक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को अभी जो है कुछ लिक्विड्स पीना है, और उसमें कोकोनट आता है। ठीक है भाई, बाकी अपन पानी वानी पी सकते हैं टर्टल के शेल से भी। ऑल राइट ठीक है, चलो भाई टैब दबाते हैं, और यहाँ पे अपने को ओ इन्वेंटरी दी हुई है पूरी के पूरी। तो यहाँ पे कोकोनट पे जाना है, और
ई दबाने से अपने को यहाँ पर कोकोनट खा लिया। खा लिया क्यों भाई, पीना था ना इसको तो। ओ देखो हमारे मीटर्स बढ़ रहे हैं भाई, ऊपर बढ़ रहे हैं सारे के सारा। नाइस नाइस। तभी मेरे को भाई हमारे अंकल जी को ढूंढना है, फाइन ड्रेसेस ऑफ योर अंकल। तो मतलब कुछ ना कुछ छोड़ के गए होंगे अंकल जी भाई, देखते हैं क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। भाई गेम तो काफी प्यारा लग रहा है भाई, देख रहे हो गाइस, जस्ट लुक एट दिस। डैम भाई ये मेरे को थोड़ा सा ये मूवमेंट का थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको ऑफ नहीं कर सकता क्या भाई मैं? मेरे को भाई ये बेकार लगता है, ये जो मोशन सिकनेस वाला सीन है। आई थिंक अभी ठीक है, मे बी ये अभी बेहतर है। साला सर दुखता है भाई इससे। चलो गाइस तो इधर जाना है अपने को। एक सेकंड, नहीं कहाँ दिखा रहा है ये? अबे छोटा सा तो आइलैंड है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है। और तो पीछे से तो आया हूँ। अच्छा ऊपर चेयर जा रही है, रुको भाई। चलो भाई चलते हैं, हमारे अंकल जी को ढूंढेंगे आज तो अपन। वो क्या बना हुआ है इतनी दूर में, मेरे को कुछ तो दिख रहा है गाइस। वो क्या है बे? कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा भाई यहाँ पर। अबे कहाँ जा रहे है ये रास्ता? अबे यहाँ पे कौन क्या बनाने बैठा था भाई? स्टेयर्स वगैरह सब कुछ लगा रखे यहाँ। चलो भाई देखते हैं हमारे अंकल जी यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अपने को। कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, बट ठीक है। ओ यहाँ पे कुछ तो पड़ा हुआ है, रुको। पासवर्ड लॉक, पासवर्ड डालना है इसमें कुछ तो। यहाँ पे कुछ स्टिकी नोट दिया हुआ है, व्यू नोट इन जर्नल। एक सेकंड, जर्नल बैकपैक लेफ्ट आर्म राइट आर्म टेप प्लेयर स्टोन एक्स एंड जर्नल। ये रहा, तो यहाँ पे कुछ अनलॉक हुआ है क्या हमारा? रेडियो टावर, ओ ये रहा। ओके सो ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है गाइस इसके अंदर काम का। तो अपना अपन जा रहे हैं इसके ऊपर, अब देखते हैं ऊपर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे तो मेरे को ऊपर ही लग रहा है जो भी कुछ है। कुछ पड़ा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। चलो भाई, भाई बादल बादल क्या मस्त लग रहे हैं बे। रुको भी एकदम ऊंचाई पे पहुंचते हैं। ओ भाई उसके बाद देखेंगे क्या सीन है यहाँ का। ओ ये ओ भाई, एक तो गाइज ये रहा आइलैंड, ठीक है एक आइलैंड वहां पर है। अब कितने आइलैंड है आई थिंक? नहीं 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 रुको, एक दो तीन चार, ये तो कोई छोटा सा आइलैंड लग रहा है मेरे को। यहाँ पे ये भी छोटे वाले लग रहे हैं मेरे को, एक वो काफी बड़ा आइलैंड लग रहा है एंड ये वाला एक आइलैंड लग रहा है जिसपे देखो कुछ तो बना हुआ है वहां पर टावर टाइप का। इधर जाना रहेगा प्रोबेबली अपने को। बाकी यहाँ पे क्या है भाई? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या करना है? कुछ है क्या यहाँ पे? ओके यहाँ पे टेप पड़ी हुई है यार, ठीक है। अंकल जी, अबे अंकल को पता था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे है? अंकल जी को पता था मैं आ रहा हूँ भाई? अंकल जानते हैं मैं उनकी मदद करने आऊंगा। बच गया भी। अच्छा तो अंकल जी यार क्या कर रहे हो यार तुम? बिना मतलब चले गए यार हमें छोड़ के ऐसी है। इनको पता था रिस्की है भाई, उसके बाद भी चला गया भाई। ओके किसी मिशन के लिए आए हैं ये लोग। यहाँ है इस आइलैंड पे कुछ सीक्रेट्स है क्या? मतलब कुछ तो है भाई यहाँ पे है। But this place, it's not just the elements that are hostile. It's as if the island itself is alive, testing us, preying on our fears, our regrets. भाई आइलैंड में ही कुछ तो है गाइस, कुछ तो झोल है भाई यहाँ पर। Good people lost to something I can't even fully understand. अच्छा। I'm alone now, trying to keep the darkness at bay, but it's getting harder. Every step I take feels like it's pulling me deeper into the island's grasp. भाई इस आइलैंड पे गाइस कुछ तो सीन है भाई। Things that should have stayed buried. इन्हें कुछ तो ऐसी चीजें मिली जो कि भाई नहीं मिलनी चाहिए थी। क्या पड़ा हुआ यहाँ पे? फुटबॉल। अंकल जी इट्स ओके, अंकल जी, अंकल जी कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा आपको ढूंढने में, टेंशन मत लो। अरे यार ये दोबारा से क्यों प्ले हो रहा है? ओ भाई नहीं चुप, ठीक है छोड़ो इसको, कोई काम नहीं है इसका। ओके तो मेरे को ना यहाँ पे कोड ढूंढना है पहले बात तो। अब कोड पता नहीं कहाँ मिलेगा, बट उससे पहले अपन एक काम करते हैं, अपने को जो यहाँ पे एक पाम बेड बनाना है जिससे कि अपन हमारी एनर्जी रिस्टोर कर सकते हैं और सैनिटी रिस्टोर कर सकते हैं, बाकी प्रोग्रेस अपन यहाँ पे सेव कर पाएंगे। ठीक है तो सबसे पहले ये बना लेते हैं भाई, ये जरूरी चीज है। किधर बनानी चाहिए ये? रुको पहले नीचे निकलते हैं जरा यहाँ से, मेरे को पाम ट्री तोड़ने पड़ेंगे, थोड़े कट करने पड़ेंगे रुको, ताकि अपने को इससे पत्तियां मिले। हाय पत्तियों से बनेगा हमारा पाम बेड, ठीक है पत्तियों से बनता नहीं पर देख लेता हूँ मैं। पत्तियों से बनेगा या फिर अच्छा ये एलिवेटेड वाला अलग है। हाँ तो पत्तियाँ चाहिए अपने को, 6 पत्तियाँ भाई। ठीक है यहाँ कुछ तो अजीब सी आवाज़ें आ रही है मेरे को। बाकी मैंने 2 ट्री कट कर देगा इस यहाँ पर एंड एक कोकोनट मिल गया है। ठीक है तो पहले ज़रा सारे पत्ते मैं यहाँ पे गिरा देता हूँ एक बार, रुको। ठीक है सारा कुछ एक जगह पे ला के पटक देता हूँ मैं। अभी मेरे को पता नहीं है कहाँ पे बनानी चाहिए सारी चीज़ें वैसे, बट मैं जहाँ पे बना रहा हूँ कि यहाँ पे ना सामने एक आइलैंड होने वाला है, इसलिए तो अपन यहाँ पे पहले बुक में जाएंगे फिर पाम बेड पे क्लिक करेंगे और इसको अपन यहाँ पे क्राफ्ट कर लेते हैं। ठीक है अब यहाँ पे जितना भी पत्तियाँ वत्तियाँ पड़ी हुई है सब कुछ उठाते हैं यहाँ से और इसको इसके अंदर भरना शुरू करते हैं। 4x6 तो मैंने भर दिया भाई, 4x6 और ये लो। चलो भाई पूरा हो गया अभी।
चलो गाइस हमारा पाम बेड तैयार हो चुका है यहाँ पर और ट्यूटोरियल भी हमारा पूरा हो चुका है भाई। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आराम करते हैं। टाइम तो कर लिया मैंने सेव और अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है गाइस, ठीक है। तो अभी सोने की जरूरत है नहीं, मेरे को लग नहीं रहा, आई थिंक अभी सोने की जरूरत नहीं है। तो अभी ट्यूटोरियल तो हमारा पूरा हो चुका है, अब ना हमें क्या करना है, हमें हमारे अंकल को ढूंढना है अब, ठीक है। अब अंकल को तो ढूंढेंगे, यहाँ से सर्वाइव करके निकलना पड़ेगा पहले अपने को उसके लिए। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं वो चेक कर लेता हूँ पहले मैं। गाइज मेरे को ना अभी जस्ट पता लगा कि यहाँ पे ना कुछ बॉटल्ड नोट्स मिलने वाले हैं अपने को, लाइक बोटलें पड़ी होंगी उसके अंदर नोट्स मिलेंगे जो कि मेरे को ढूंढना पड़ेगा अभी उनको। और उसके अंदर ना पासवर्ड निकलने वाला है, लाइक वो जो हमारा ऊपर एक वो था ना कुछ तो किट टाइप का पड़ा हुआ था उसके अंदर लॉकर टाइप का, उसके लिए अपने को पासवर्ड चाहिए भाई। पासवर्ड के लिए मेरे को ना कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, यहाँ पे मिलेंगी जो भी, देखते हैं अभी कहाँ कहाँ पड़ी रहेंगी भाई। ये क्या चीज़ है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, वे अबे मारने आ रहा है, रुक जा साढ़े तेरी भैंस भाई, मार लिया भाई, खा गया मेरे को, पॉइजन हो गया गाइस, पॉइजन हो गया जहर डाल दिया साले ने, तेरी ऐसे की तैसी साढ़े, कहाँ जा रहा है, रुक मरेगा कि नहीं मरेगा ये पता नहीं बट देखते हैं। अरे भैंस क्या, ये ले साढ़े, ये ले भाई, मरे नहीं रहे तो, अबे मरे नहीं रहा, ओके पिल गया भाई, कोमोडो ड्रैगन भाई, सब कुछ निकाल लूंगा साला इससे मैं। चलो भाई ठीक है, इसको ठिकाने लगा दिया मैंने अभी। ओके सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, खाना पीना भी निकालना पड़ेगा इनको पेल के, बाकी चीज़ें ढूंढता हूँ कुछ मिल जाता है यहाँ पे। वाइट मशरूम मिले हैं, ब्लू मशरूम्स मिले हैं, आई होप आई कैन ईट ऑल ऑफ दिस स्टफ प्रोबेबली। बाकी पत्थर वत्थर कुछ तो, रुको एक सेकंड, सब तोड़ ताड़ के ना अपने साथ रखूंगा सारा रिसोर्स भाई मैं। यहाँ पे भाई किसी की बॉडी पड़ी हुई है बे, मेरे को डर लग रहा है साला कहीं कुछ सीन वीन ना हो जाए भाई यहाँ पे बस। ओके यहाँ पे बहुत सारे वाइट फ्लावर वगैरह पड़ा हुआ, सब उठा लेते। यहाँ पे मेरे को एक बॉटल मिली है गाइस जो कि फाइनली मिल चुकी है, नाइस। अभी ये किसी सर्वाइवर की है वैसे तो, बट इसको जरा ओपन करके देखते क्या लिखा है भाई इसमें। तो आई सेट आउट ऑन अ सोलो वॉयज, अच्छा जी ठीक है भाई, ट्रैवलर नोट है ये, और इसमें तो कोई कोड नहीं लिखा हुआ वैसे, और किसी में कोड इसमें तो नहीं होगा, कोई कोड वाली तो नहीं मिली मेरे को अभी, ठीक है। अब कोड वाली ढूंढनी अपने को भाई, कोड वाली बोतल नोट कहाँ मिलेंगी भाई, देखते हैं अभी। यहाँ पे सर्फिंग बोर्ड मिला है मेरे को, इसको अपन, रुको इसको क्या मैं पानी में प्लेस कर सकता हूँ, इसके ऊपर तैर सकता हूँ मैं, कैन आई डू दैट। अबे यह क्या बेकार सा है भाई ये चीज भाई, रुको एक काम करते हैं, सारी चीज़ें ना अपन उठा उठा के अपने बेस के पास रखेंगे। अबे मैंने कहाँ बनाया था वो, एक सेकेंड गाइस, वो मैंने कहाँ बनाया था बेस, मैंने अपना बेड कहाँ बनाया था मैंने। एक और बॉटल नोट मिला है, रुको इसको भी चेक करेंगे अभी। मेरा बेड कहाँ गया अबे, बेड, हाँ ये रहा मिल गया सॉरी माय बेड। चलो भाई अभी सर्फ बोर्ड भी लेकर आ गया तुम्हारा भाई, इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर, पता नहीं कुछ काम आएगा कि नहीं। बाकी है वो यहाँ पे तितलियाँ भी उड़ रही है भाई, वाओ नाइस। ऑल राइट सो मेरी हेल्थ लो हो रखी है भाई, एक सेकेंड गाइस थोड़ा सीन हो गया भाई मेरे को ना जहर, एक सेकेंड भाई पॉइजन का क्या सीन है। देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग पॉइजन बाई एनिमल बाइट्स और इंसेक्ट अटैक, इफ नॉट ट्रीटेड सून इट कैन लीड टू द फॉर रिलीफ, ट्राई ईटिंग जिंजर। अबे जिंजर कहाँ से लाऊं, अबे एड़ा है क्या थोड़ा सा, रुको गाइस इसमें क्रॉसबो वगैरह बना सकता हूँ क्या मैं, क्रॉसबो बनाने के लिए क्या चाहिए भाई इसमें, वुडन बो बना सकता हूँ, रोप और स्मॉल स्टिक चाहिए, बट मेरी हेल्थ लो होते जा रही है, इसका क्या करूँ मैं अभी। अरे भाई मेरे तो लग गए गाइस, मेरे तो लग गए, यहाँ पे जिंजर कहाँ ढूंढूंगा मैं। अबे यार मेरे को जस्ट जिंजर का प्लांट मिला भाई, और देखो क्या सीन हो गया यार, बस मैं अभी तक सिर्फ 2 घंटे सर्वाइव कर पाया भाई गेम के अंदर, हद है मतलब। वेल गाइस मैं पिट गया और या मैं वापस आ चुका हूँ अभी, मेरे को यहाँ पे जो भी सामान मिल रहा था मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया है वैसे। अभी ना जरा मेरे को नोट देखना है, लेकिन वो सब करने से पहले मैं फटाफट से अपने बेड के पास पहुंच जाता हूँ। राइट सो अभी ना अपन यहाँ पे जर्नल चेक करते हैं, जरा जर्नल में ना मेरे को यहाँ पे चीज चेक करनी है। तो मेरे को 2 लेटर मिले थे अभी, एंड इसमें भी ये कोई और है, एक सेकेंड भाई, रेडियो टावर का मेरे को मिला था, ठीक है। 2 बॉटल नोट मिला था मेरे को अभी, एक ये वाला है और एक ट्रैवल नोट वाला है, लेकिन किसी में भी भाई कोई कोड नहीं है भाई यहाँ पर, किसी में भी कोड नहीं मिल रहा मेरे को। चलो तो भाई काम करते हैं, अभी ना सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो हम जो सबसे पहले चीज़ करेंगे, हमें यहाँ पर कैंप फायर या फिर फायर का बनाना पड़ेगा, जिससे कि ना यहाँ पर कुक भी कर सके अपन, और रात के टाइम पे भी कोई दिक्कत ना हो अपने को, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेजेस बना सकते हैं अपन, ऑल राइट। तो मतलब पूरी चीज़ें अपन मस्त यहाँ पर बना पाएंगे। अभी इसको मैं हटा नहीं सकते क्या यहाँ से, इसको मेरे को यार डिसमेंटल नहीं कर सकते क्या इनको, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ना देखो वैसे तो मेरे को यहीं पे बनानी है, क्योंकि यहाँ पे सीन क्या है ना कि सामने पड़ेगा वो वाला आइलैंड। तो चलो ठीक है, अगर ना यहीं पे रहने देते हो, रुक जाओ अभी ना मेरे को जो चीज़ें बनानी है पहले अपन यहाँ पे खोल लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को कैंप फायर चाहिए, कैंप फायर के लिए मेटल बैरल आई थिंक, मेटल शीट और ये सब कुछ मैंने देखा है अभी,
तो यहाँ पे अपन कुक कर सकते हैं और नहीं तो काम करते हैं अभी फिलहाल के लिए, अपन एक कैंप फायर बनाते हैं ताकि अपन यहाँ पे आराम से रह सकें। यहाँ पे 6 पत्थर चाहिए और अपने वो कुछ स्मॉल स्टिक्स चाहिए रहेंगे। देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, बाकी अपन सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। और मेरे को जिंजर के प्लांट तो मिल चुके हैं लेकिन पता नहीं भाई उनको जिंजर वगैरह निकालते कैसे उसमें से, आई डोंट नो ब्रो उसको, क्योंकि प्लांट ना कटता तो है नहीं भाई। यहाँ पे स्टिक्स हो चुकी हैं बहुत सारी एंड स्टोन्स, आई थिंक मेरे को पूरा लेके जाना पड़ेगा ना मे बी। हाँ मेरे को पूरे बड़े बड़े स्टोन्स रखने पड़ेंगे यहाँ पे, बाकी 4 स्टिक्स मैंने रख दिए, एक और छोटी सी स्टिक चाहिए है। गाइस यहाँ पे हमारा कैंप फायर भी तैयार हो चुका है, पत्थर ढूंढने के लिए मेरे को इतनी दूर दूर जाना पड़ रहा है मैं क्या बताऊँ गाइस। बाकी जो है अभी मेरे को यहाँ पे स्टिक्स ऐड करनी है और यहाँ पे फायर स्टार्ट कर दे। यहाँ पे मैं स्टिक्स लेकर आ गया हूँ बहुत सारी, इनको अपन ऐड कर देते फटाफट से सारी सारी, ठीक है ऑलराइट इतना ही ऐड कर सकते सिर्फ। और यहाँ पर अपन खाना रख सकते हैं पकाने के लिए, तो अब खाना तो मैं रख सकता हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत रखा हुआ है गाइस, अब पता नहीं एक बार एक सेकंड भाई रखना कैसे, एक मिनट रुको उसमें मेरे को पिक करना रहेगा मे बी। मेरे पास कुछ है नहीं क्या खाने के लिए, ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्लोथ हो गया ठीक है। तो मेरे को ना अभी रुक जाओ जरा थोड़ा बहुत अपन रुक तेरी भैंस की कहाँ जा रहा है, रुक जा बच गया भाई। भाई सर्वाइव करने के लिए पहले जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा गाइस पूरा, रुक जाओ एक काम करता हूँ मैं ना जरा क्रॉसबो बनाता हूँ अपने लिए, ठीक है थोड़े टूल्स वगैरह देखते हैं क्योंकि टूल्स बनाना बहुत जरूरी है भाई सर्वाइव करने के लिए। तो शेल्टर के लिए अपन ने बेड बना लिया अभी फिलहाल, और स्टोरेज अपन लॉग रैक बना सकते हैं, और इसमें क्या रख सकता हूँ मैं बैकपैक की सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डाल सकते हैं ऑलराइट। और इसमें अपन स्मॉल स्टिक्स रख सकते हैं, और क्या क्या है इसमें भाई स्टोरेज में, स्टोन कंटेनर हो गया, शार्ड कंटेनर हो गया, एरो बास्केट हो गई है, मीट रैक, वाइन रैक, वेपन रैक, टूल रैक। ओह यहाँ पे अभी देखते हैं वाटर पाउच चाहिए मेरे को एक, ठीक है लेकिन इसका लेदर लगेगा, लेदर मेरे पास है नहीं अभी। और ब्रीविंग कप अपन बना सकते हैं। टूल्स में क्या क्या है भाई, लेवल 4 करना पड़ेगा अपने को। बाकी स्टोन हैमर अलाउज यू टू सेप एंड कंस्ट्रक्ट न्यू स्ट्रक्चर एंड डेमोलिश एग्जिस्टिंग वंस। ये कुछ काम का लग रहा है गाइस, जरा इसको बना के देखते हैं, रुको एक सेकंड जरा। यहाँ भाई साहब लेट्स गो, यही तो चाहिए भाई, यही तो चाहिए था। अभी अपन गाइस यहाँ पे मस्त मस्त चीजें कर पाएंगे, रुको 1-2 से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा बनाना है, ये मेटल वाला है और ये वुड वाला है। क्यू से अब ओके यहाँ पे अपन चेयर डेस्क वगैरह बना सकते हैं, दरवाजा हो गया, स्टेयर्स हो गई है, ये अभी लेट्स गो, अभी रुको एक मिनट, ठीक है चीज़ें, अच्छा ये फ्लोर हो गया ठीक है। तो एक काम कर देगा सबसे पहले ना, अब मेरे को चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी यहाँ से, अब अपन वैसे इसके ऊपर बना नहीं पाएंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो एक ये लगा देते हैं ऑल राइट, एंड देन इसके साथ में मैं एक ये लगाता हूँ, रुको एक मिनट बिल्ड करते हैं और ये यहाँ पे लगाता हूँ ठीक है, इसके ऊपर जा पाएंगे फिर। अब लाइक बढ़िया सा बेस बनाऊंगा यहाँ पे मैं, देख लेना तुम्हारा भाई एकदम तगड़ी चीज़ें करने वाला है। बाकी इसके अंदर बस सामान रखना पड़ेगा अपने को, लॉग्स अपन ने कट करे हुए ऑलरेडी। कीड़ा यहाँ क्यों आ गया, आई मीन ये क्यों आ गया भाई इधर, यार ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, इसको ना मेरे को पेलना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को ना एक वो बनानी है भाई, क्रॉसबो बनानी है, ये बंदा मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। रुको स्टोन साड़ और फैदर चाहिए, फैदर के लिए भी पेलने पड़ेंगे भाई मेरे को। ओके स्टोन नाइफ हो गया, वुडन नाइफ हो गया है, और ग्रेनेट नाइफ तो अनलॉक हुआ नहीं है। वुडन स्पेयर अपन बना सकते हैं यहाँ पर, रुको रुको क्या क्या है भाई देख लेता हूँ ज़रा एक बार मैं ना, यहाँ पे वुडन बो बनानी है मेरे को, रोप चाहिए, रोप तो पता नहीं कहीं मिलेगी ना, मैं 5 स्टिक्स ढूंढता हूँ जरा गाइस ठीक है, 5 स्टिक्स मेरे को चाहिए ताकि अपन यहाँ पर वो बिल्ड कर सके भाई। अरे आ गया ले यार, इसने फिर से पॉइजन कर दिया मेरे को, नहीं पॉइजन नहीं हुआ, रुक जाओ भी भाई, जो दूर रहना है मेरे को प्लीज, मारेगा ये बहुत गंदा मारेगा भाई, पानी में जा रहा हूँ गाइस रुक जाओ, बट ये पानी में भी आ जाएगा मेरे को डर लग रहा है इससे, रुक जाओ आई होप भाग जाए यार, स्टिक्स चाहिए थी मेरे को, स्टिक इकट्ठे नहीं करने दे रहा भाई ये बंदा। मैं यहाँ पे ना स्टिक्स तो लेकर आ गया हूँ लेकिन थोड़ा इससे परेशान कर रहा है, बहुत सारे स्टिक्स ले आऊँ, रुको एक बार ये वुडन स्पेयर बनाता हूँ फटाफट से पहले मैं ठीक है, इसको मेरे को बरसाना है भाई, दूर से बरसाऊंगा थोड़ा, और मेरे को प्यास लग रही है जरा, कोकोनट पी लेता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, बहुत दिमाग खराब कर रहा है भाई ये, अरे इसको रख वापस फटाफट से, पीना इसको जल्दी, रुक जाओ गाइस इसको बरसा के आता हूँ, बस यही खतरा है इस जगह पे पूरे आइलैंड पे भाई, रुको पहले गेम सेव कर लेता हूँ। तेरी मैं इसकी आज साढ़े आ जा ये भी ले हाँ मेरे को मारेगा, साढ़े आ तू आ, इसको बताता हूँ गाइस कहाँ जा रहा है, आना साले आ, फट रही है चार हो गई ना अभी, आया मजा बताता हूँ तेरे को, मेरे को मारेगा तू है, रुक जाओ गाइस खाने का जुगाड़ भी बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं अभी। चलो भाई मीट वीट सब मिल गया अपने को गाइस, लेट्स गो अभी इस पर अपन आराम से पका पाएंगे सारी चीज़ों को। ये कुछ तो ऑप्शन आ रहा था गाइस अभी यहाँ पे रखने का, एक मिनट रुकूँ, तो अपने को यहाँ पे जाना है और यहाँ जो मीट है इसको अपने को ड्रैग करने का है, यहाँ पे अपने को प्लेस करना है ड्रैग करके ठीक है। अब एक बार में अपन 3 पीस जो यहाँ पे पका सकते हैं,
अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं फायर, ठीक है। वैसे अभी खाने की जरूरत है भी नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा, ठीक है, तो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा अभी। जब रात का टाइम हो जाएगा तब अपन इसको ऑन कर देंगे। फिलहाल के लिए अपन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमें आगे करना है अभी भाई, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ सर्वाइव करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तभी अपन यहाँ से कहीं और निकल पाएंगे। और पॉइजन का मेरे को देखना है यार, जिंजर प्लांट का क्या है, रुको। यहाँ पे पानी वानी का भी पूरा सीन बैठेगा गाइस हमारा, ठीक है, तो पानी वानी पिएंगे। रुक जाओ पहले फटाफट से यहाँ पे लॉग्स वगैरह लेकर आता हूँ मैं जरा। भाई चार लॉग्स में पूरा तैयार हो गया, नाइस, ये काफी अच्छा लगा भाई मेरे को। यहाँ पे अपना पूरा आराम से बेस वेस बनाएंगे, ठीक है, आराम से रहेंगे यहाँ पर। और अभी देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं भाई। खाने पीने का तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, दिन के 2 बज रहे हैं भाई। और डिस्कवरीज देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है, थर्स्ट हो गया, एनर्जी का हो गया है। अब मेरे को ना रैक बनाना है यहाँ पे, ताकि अपन चीज़ें यहाँ पर रख सके आराम से, ताकि हमें चीज़ों की कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना बैठे। इसके लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, लॉग चाहिए, ओके रुक जाओ, लॉग वगैरह तो ले आएंगे। मेरे को ना पानी का पाउच बनाना है, इसके लिए लेदर चाहिए, लेदर का पता नहीं है। और एक रोप ढूंढनी पड़ेगी मेरे को, और यहाँ पर एरोस के लिए भी फैदर चाहिए रहेगा। यार थोड़ी दिक्कत तो है इसके अंदर लेकिन, और हमारा लेवल अभी जो है थोड़ा लेवल अप हुआ था, तो मेरा ग्रेनाइट एक्स अनलॉक हो चुका है इसके अंदर अभी। एक मिनट रुकना, क्या लिखा है, कैन बी यूज टू शॉप ट्रीज और किल एनिमल्स। ओके ना, मैं स्पेयर टूल बनाने वाला हूँ, ये मेरे को चाहिए। अब मैं बताता हूँ ये स्पेयर किस काम आएगा, ठीक है। अभी मेरे को समझ में आ गया क्या सीन है भाई इस गेम का। पहले तो स्टोन ढूंढने दो, स्टोन लेंगे अपन यहाँ पे और इसको अपन तोड़ेंगे, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद ये लेंगे और अपन बनाने वाले हैं अभी एक स्पेड। ये बनाया और ये मैं बताता हूँ क्या काम आया गाइस। जैसे कि मान लो यहाँ पर ना मेरे को अभी थोड़े बहुत वो दिखे थे जिंजर के, जो कि हमारे पॉइजन से बचाएगा अपने को, तो अभी इनको अपन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं गाइस। या देखो ऊपर का बार गया और यहाँ पे बहुत सारे जिंजर निकल चुके हैं इसके अंदर से। नाइस 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 बेबी नाइस, लेट्स गो। चलो अभी मैं बहुत सारे जिंजर निकाल के रख लेता हूँ अपने पास, क्योंकि पॉइजन का सीन बैठता रहेगा भाई इस जगह पे, इस आइलैंड पे बहुत खतरा है हमारे लिए। चलो भाई बहुत सारे जिंजर रख लिया मैंने अभी। और इसी तरह से अपन जो है हर एक चीज को निकाल सकते हैं स्पेड की मदद से। और जैसे कि मान लो यहाँ पे मिर्ची वाला जो है ना, ये इसको भी अपन रिमूव कर सकते हैं इससे। इससे अपने को बहुत सारे जो है चिली पेपर मिल जाएगा भाई, लाल मिर्ची मिल जाएगी यहाँ पर। निकालो भाई फटाफट से। और यहाँ पे लेवल 4 हो चुका है हमारा मिली में भाई, मतलब इतनी देर से काम कर रहा हूँ, अपने आप पहुंचते जा रहा है, लेवल अप होते जा रहा है। इसको रुक दो, इसको पेलने दो जरा, कहाँ भाग रहा है ये देखियो। रुक, इस क्रैब को पेलेंगे, थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ बिठा के रखना पड़ेगा ना अपने को इसलिए। हाँ भाई किधर जा रहा है, ठंडा करके रुक जा, तेरे को पेलूंगा साल। रुक ये लो भाई, क्या गंदा पेल रहा हूँ मैं इनको। चलो भाई सारा खाने पीने का जुगाड़ बिठाएंगे अभी गाइस। ऑल राइट, कुछ बचा था क्या इसके अंदर, कहाँ गया वो। ऑल राइट नेवर माइंड। बाकी ना यहाँ पे रुको, मेरे को ना कुछ चीज़ें पड़ी हुई दिख रही है। देखो जैसे कि ये देखो, ये तो हो गया ड्रम्स वगैरह, मेटल बैरल अपने को काम आएगा अभी। ये सब कुछ मेरे को बेस के पास लाके पटकना पड़ेगा। लाइक इससे भी अपन चीज़ें बना सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये जो ये पड़े हुए हैं इनका क्या काम है मेरे को ये जानना है। इसको तोड़ सकता हूँ क्या मैं, इससे तो नहीं हो रहा डैमेज। कुल्हाड़ी कहाँ गई भाई मेरी, तो मेरे को लग रहा है शायद से मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है मे बी। यार मैं क्लोथ्स को कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या रोप बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी गेम्स में तो ऐसा ही होता है। बाकी यहाँ पर एक नोट दिख रहा है मेरे को, रुको ज़रा भाई, कहीं पर भी चिपका रखा है सारी चीज़ों को, नोट वगैरह को। एक मिनट रुको, कुछ तो नोट मिला था इसका, देखने दो। रेडियो टावर था, किसमें था, बॉटल नोट्स नहीं, ये तो नहीं था। रेडियो टावर का भी नहीं, यही है। ओके तो ये देर इज अ डिजिट रिटर्न एट द एंड ऑफ द नोट 9। ओके तो यहाँ पे मेरे को जो है स्टिकी नोट्स ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पे कोड ढूंढने के लिए, ठीक है। वैसे रात होने वाली है, मौसम कैसा हो रहा है बस, अच्छा बारिश आ रही है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी भी, भाई गाड़ी कौन लेकर आया है भाई यहाँ पे, यहाँ पे गाड़ी भी पड़ी हुई है। रुको गाइज, अपने को ना स्टिकी नोट्स ढूंढने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ताकि अपन वो वाला क्रेट ओपन कर सके। स्टिकी नोट्स के अंदर मिलेगा अपने को जो भी कुछ मिलने वाला है अभी। इस आइलैंड को पूरा ढूंढना पड़ेगा अपने को भाई, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रखा होगा सारी चीज़ों को, कुछ भी चिपका रखा हुआ है इन लोगों ने कहीं पर भी, रैंडम है सब कुछ। ये देखो यहाँ पे कुछ तो पड़ा हुआ है, एंशियंट लैंटन पड़ा हुआ है यहाँ पर। बटरफ्लाई वगैरह को तो रहने देता हूँ यार, बटरफ्लाई काफ़ी प्यारी लगती है। ओके चलो एक काम करते हैं, अभी जरा बारिश हो रही है तो यार इसको भी स्टार्ट भी नहीं कर पाऊँगा। ओहो चलो एक काम करते हैं, सो जाते हैं गाइस, ठीक है। अभी आराम करते हैं, सुबह उठ के देखेंगे, आराम करते हैं। अभी 6 घंटे नहीं 12 घंटे सोऊंगा भाई मैं तो। वेल मैं जस्ट सोने के लिए गया था और मैंने कुछ ज़्यादा टाइम तक कर दिया, तो मैं पिल गया भाई, बिकॉज मेरे को भूख लगने लगी और मेरे को प्यास लगने लगी। मेरा गेम पहले वाला लोड हुआ है और यहाँ पे भाई मेरे पीछे पड़ गया, रुक जाओ गाइस, इसे दूर रहना पड़ेगा मेरे को। अरे यार ये पूरा काम खराब कर दिया भाई, गेम ऑटोमेटिक सेव नहीं होता भाई, मेरे को खुद करना पड़ता है भाई, बहुत सीन है इस गेम के अंदर। भाई गेम तो अच्छा है, ठीक है, गेम ग्राफिक्स वाइज अच्छा है एंड स्टोरी वाइज भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही लग रहा है वैसे देखने में तो। अंकल को ढूंढना है बस, थोड़ा सर्वाइविंग का एक्सपीरियंस ख़राब होने वाला है, क्योंकि ना भाई गेम ऑटोमेटिक सेव नहीं होता, हमें खुद करना पड़ता है। इस चक्कर में देख रहे हो मेरी कितने पीछे की प्रोग्रेस वापस आई है, जो कि भाई बहुत गलत बात है। बाकी गाइस गेम इज़ गुड एंड
देखते हैं इसकी सीरीज अपन चालू करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि भाई गेम का ना थोड़ा ऑप्टिमाइज नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मैं मर रहा हूँ ना, रिलोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है, ये बहुत वेट करना पड़ रहा है उस चक्कर में भी। आगे चलो गाइस, इस वाली वीडियो पर 500 लाइक्स गेम रखते हैं, फटाफट से पूरा करा देना। रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो, का मजा देने के लिए बटन दबा देना। सब लोग इन चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।